नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। लेखिका का ट्रंप पर सनसनीखेज आरोप, उसके साथ किया रे। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। एक पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कॉलमिस्ट ई जीन कैरोल ने ट्रंप पर रेप का आरोप लगाया है। लेखिका ने दावा किया है कि 1990 के मध्य में मैनहट्टन डिपार्टमेंट स्टोर में एक ड्रेसिंग रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका रेप किया था। मामले में चर्चा में आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में इस महिला से कभी नहीं मिला। अपने बयान में ट्रंप ने इस आरोप को फर्जी समाचार बताया और कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि कोई टिप्पणी नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, आसपास कोई बिक्री परिचारक नहीं। मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए बर्गडॉर्फ गुडमैन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके पास ऐसी किसी भी घटना का कोई वीडियो फुटेज नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप लगे आरोपों पर भी अभी ट्रंप की कंपनी ने एसोसिएटेड प्रेस के टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ट्रंप अभी भी इन कंपनियों के मालिक हैं। महिला द्वारा ट्रंप पर लगाए गए आरोप को हिंसक पुरुषों के बारे में अपनी आगामी किताब में शामिल किया है। कैरोल ने लिखा है कि 1995 या 1996 में बर्गडॉर्फ गुडमैन में उनकी दोस्ती ट्रंप से हुई। एक दिन ट्रंप ने उसे ड्रेसिंग रूम की दीवार पर धक्का दिया और निर्वस्त्र होकर सारा जोर उस पर लगा दिया। कैरोल ने कहा कि भारी संघर्ष में उन्होंने ट्रंप को धक्का दिया और स्टोर से भाग गई। अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान करीब एक दर्जन महिलाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था और कहा था कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं। तो आज डोनाल्ड के राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से एक महिला ने उन पर इसी तरह का आरोप लगाया है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये आरोप सच है या मिथ्या। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।